बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का जसमीत भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं लैंडमार्क इम्यूगेशन के चीफ हैं आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आई ट्वेंटी यू से आई ट्वेंटी कितने दिनों में आ रही है और जल्दी आई ट्वेंटी आने के लिए स्टूडेंट्स क्या प्रोसीजर फॉलो करें आज जसमीत जी हमारे साथ शेयर करेंगे जसमीत जी आपका स्वागत है जसमीत जी आई का पूरा प्रोसेस सी आई ट्वेंटी इज ऑफिशियली अगर जैसे कैश होता है ऑस्ट्रेलिया में कैश होता है यूके में सी ओ ई होती है ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही आई ट्वेंटी होती है यूएसए में सो आई ट्वेंटी इज समथिंग स्टूडेंट की इंटरव्यू के बिना हमें मिल सकती है इसके अंदर लिखा आता है सर्विस डिटेल्स सर्विस डिटेल इज स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको अपना सर्विस एक्टिव रखना पड़ता है अनटिल एंड अनलेस अगर आपका सर्विस एक्टिव नहीं है दैट मींस यू बिकम इलीगल स्टूडेंट इन यू सो जो सर्विस नंबर आता है हर आई पे एंड आई इज इशूड फ्रॉम अ यू गवर्नमेंट साइट सो यू एस गवर्नमेंट की साइट पर जाके एक आई ट्वेंटी इशू होती है विच इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ यू एस गवर्नमेंट उसके ऊपर सेविस नंबर इशू होता है वो सर्विस नंबर को लेके आप सर्विस फीस जमा करते हैं जो कि थ्री फिफ्टी यू एस डॉलर है सो so, जब आप वो फीस जमा करते हैं उसके बिना आप इंटरव्यू देने नहीं जा सकते अगर आपने गलत नाम पे सर्विस फ़ीस पे कर दी अगर आपका सर्विस एक्टिव नहीं है अगर आपका सर्विस फीस अम्बेसी को नहीं शोर sure हो रहा है तो आप वीज़ा लेने के लिए एलिजिबल नहीं है सो स्टूडेंट्स I20 में ये लिखा होता है कि आपने इतने फंड शो किए एंड नाउ यू आर एलिजिबल टू स्टडी इन देअर यूनिवर्सिटी हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट फीस है तो लिविंग कॉस्ट सेम रहेगी बट फीस हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट होती जाती है तो स्टूडेंट्स इट डिपेंड्स कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं कौन से कॉलेज में जा रहे हैं उस हिसाब से आपको फंड शो करने पड़ते हैं गोइंग टू अ कॉलेज आपको अठारह लाख से पच्चीस लाख के फ़ंड शो करने पड़ेंगे गोइंग टू अ यूनिवर्सिटी आपको पच्चीस लाख से चालीस लाख के फ़ंड शो करने पड़ेंगे अगर आप एक एवरेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं सो फंड्स एकेडेमिक्स पासपोर्ट आइलेट्स ये चार डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए हैं फंड्स में जो एक्सेप्टेबिलिटी है ओनली बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक सर्टिफिकेट इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है सो तो जब ये आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे दीज ऑल डॉक्यूमेंट्स विल गो टू यूनिवर्सिटी दे विल गो थ्रू योर डॉक्यूमेंट एंड ओल्ड फंड्स आर नॉट रिक्वायर्ड एंड दे विल इशू यू एन आई ट्वेंटी और आई ट्वेंटी के आने के बाद आप सर्विस फ़ीस पे करेंगे सर्विस फ़ीस आने के बाद आप यू एस एम्बेसी फीस पे करेंगे जो कि वन एटी फाइव डॉलरस है जब यह आपने सब पे कर दिया है तब आप इंटरव्यू सी जी आई कोड जनरेट करेंगे और अपनी इंटरव्यू स्कैड्यूल करेंगे पर आपकी ट्यूशन फीस वीज़ा लगने के बाद जाएगी जब आपके पासपोर्ट पर आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा उसके बाद आप ट्यूशन फीस देते हैं उससे पहले कोई भी लिविंग कॉस्ट कोई भी ट्यूशन फीस यूएसए में ट्रांसफर नहीं होती चलिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किया जसमीत जी ने सो so, जो स्टूडेंट्स यूएसए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 90413, 90412 पे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं प्रोफाइल भेज सकते हैं आप इंडिया के किसी भी हिस्से से ऑनलाइन भी अपनी फाइल लैंडमार्क इमिग्रेशन के जरिए मूव कर सकते हैं थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच